हेलो फ्रेंड्स, मैथमेटिकल एजुकेशन के चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इनफाइनाइट सीरीज की कन्वर्जेंस के ऊपर हम लोग डिस्कस कर रहे थे, मतलब हम कैसे पता करें कि कोई भी इनफाइनाइट सीरीज कन्वर्जिंग है या कन्वर्जिंग नहीं है। उस पर हम लोग ने लास्ट वीडियो में फर्स्ट टेस्ट के ऊपर डिस्कशन किया था, लेबनीज़ टेस्ट, जहाँ पर हम लोग ने देखा था कि अगर कोई भी सीरीज है आपके पास, जो सीरीज अल्टरनेट टर्म्स हैं उसके, मतलब अल्टरनेट पॉजिटिव एंड निगेटिव टर्म्स हैं उसके, जैसे पहला टर्म पॉजिटिव, सेकंड टर्म निगेटिव, u1 माइनस u2 प्लस u3 माइनस u4, इस टाइप की सीरीज है और टर्म्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर में है न्यूमेरिकली, तो उस सीरीज का हम लोग कैसे चेक करते हैं कि ये एक कन्वर्जिंग सीरीज है या डाइवर्जिंग सीरीज, वो आप वीडियो देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर जो बटन होता है, आई बटन होता है, वहाँ पर मिल सकता है। अच्छा, दूसरी बात, आज हम लोग उसी सीरीज में सेकेंड टेस्ट लेके आए हैं जिसका नाम है डीएलएमब्रेट्स रेशियो टेस्ट या फिर रेशियो टेस्ट। इस टेस्ट का आप यूज़ बेसिकली कब करेंगे, जब आपकी सीरीज के टर्म्स जो हों फ्रैक्शनल फॉर्म में दिए हों, और दूसरी चीज़ फ्रैक्शनल फॉर्म में दिए हों या फैक्टोरियल फॉर्म में दिए हों या फिर कोई भी ऐसी टाइप में दिए हों जहाँ पर आपको दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का रेशियो लेने पे कुछ फ़ायदा मिल रहा हो, जैसा कि अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। अच्छा, दूसरी चीज़, यहाँ पर अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव साइन नहीं आना चाहिए। मतलब कैसी सीरीज होनी चाहिए, जैसे ये देखिए, एक हम लोग ने ऐसा टाइप, इस टाइप में भी सीरीजेस देते हैं तो आप दोनों तरीके याद रखिए, और या तो बिल्कुल स्ट्रिक्टली ऐसी सीरीज होनी चाहिए। तो इस सीरीज में हम कैसे टेस्ट करते हैं कि आवर गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। तो देखिए, इसको चेक करने का बहुत सिंपल तरीका है कि अगर आपको ये एक सीरीज दे हैं यू एन, चाहे इस फॉर्म में दिए हो चाहे यू एन, सबसे पहले आप इसका यू एन निकाल लीजिए और यू एन प्लस वन निकाल लीजिए, है ना, और फिर उनका रेशियो लीजिए। देखिए, पहली चीज़ है टर्म्स को समझ लेते हैं कि ये कहना क्या चाहते हैं। देखिए, यहाँ पर जो एन प्लस वन है ना, इट इज स्टैंड फॉर एनी टर्म एन, है ना, एन प्लस वन है कि ये एक कोई टर्म है, यू एन प्लस वन क्या है, कोई भी टर्म है, और यू एन इट इज जस्ट अ प्रीसीडिंग टर्म ऑफ यू एन प्लस वन, है ना, मतलब कोई टर्म और उसके जस्ट पीछे वाला टर्म, उनके बीच का रेशियो, और फिर इसमें एन को इन्फिनिटी तक एक्सपेंड कर दिया गया है कि मतलब एज हाउ एवर लार्ज एन यू कैन टेक, आप एन जितना बड़ा से बड़ा लेना चाहो और उसके दो टर्म्स और उसका प्रीसीडिंग टर्म, उनका रेशियो लो, और अगर वो वन से छोटा आता है, कितने से छोटा आता है, वन से छोटा आता है, तो उस केस में कहेंगे कि अवर सीरीज इज कन्वर्जेंट, और अगर वही रेशियो टर्म और उसके प्रीसीडिंग टर्म का रेशियो वन से बड़ा आ जाए तो आप कह दीजिए हमारी सीरीज डाइवर्जिंग है, डाइवर्जेंट है, मतलब ये सीरीज इन्फिनिटी की ओर वो कर रही है, डाइवर्ज हो रही है। अगर यही ना ग्रेटर आए ना लेस आए, इक्वल टू वन आ जाए, तो मतलब आपका ये टेस्ट फेल हो गया। फेल हो गया तो क्या होगा, तो फिर हम कोई दूसरा टेस्ट अप्लाई करेंगे जो इससे पहले पढ़े थे उनमें से, या फिर कोई नया टेस्ट, अभी तो स्टार्ट ही हुई है सीरीज, है ना, वीडियोस की, है ना। इसके देखिए बेसिकली क्या कॉन्सेप्ट होता है इसका, कि आप दो टर्म्स का, एक टर्म और उसके प्रीसीडिंग टर्म के रिस्पेक्ट पे रेशियो लेते हैं और उसको एक्सपेंड कर देते हैं, कि मतलब जब ये बहुत आगे सीरीज पहुंच जाएगी और कोई टर्म लेंगे और उसके पीछे का टर्म लेंगे, उसका रेशियो कैसा होगा, तो जब पता चलता है कि एक से छोटा मिलने वाला है, तो इस केस में ये जो सीरीज होती है ना आपकी, जो ये सीरीज है ऐसा जो बिहेव शो कर रही है, वो बेसिकली आपकी एक ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन जो होती थी, जिसमें आपका कॉमन रेशियो वन से छोटा होता था और आप उसके इनफाइनाइट टर्म्स का समेशन निकाला करते थे, है ना, उससे भी छोटा रिजल्ट दे रही होगी ऐसा। हम पूरा कंक्लूजन पे बात नहीं करेंगे, हमारा बेस मेनली टॉपिक जो आज का वीडियो है वो कॉन्सेप्ट पे बेस है, कि मतलब इसका एप्लीकेशन कैसे करते हैं। कॉन्सेप्ट जो होगा कि ये कहना क्या चाहती है वो कभी, लेकिन आज शॉर्ट फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में क्या है कि इसका जो बिहेवियर हो जाएगा एक ऐसी जीपी के जैसा हो जाएगा, आप कह सकते हो जैसा हो जाएगा ना, बिल्कुल एक मतलब ऐसे कह सकते हैं कि उसके जैसा हो जाएगा, मतलब उससे भी छोटा दिया करेगा। तो जैसे हमारी वो जीपी जहां पर कॉमन रेशियो एक से छोटा होता है, वो हमको पता है कि कन्वर्ज होती है, मतलब किसी एक पॉइंट पे हमें रेशियो उसका सम इनफाइनाइट एलिमेंट्स का एक पॉइंट मिलता है, दो तीन ऐसे मिलता था ना, तो वैसे ही इसका उससे भी छोटा मिलेगा, तो मतलब ये भी एक फाइनाइट वैल्यू हमें देगा। आगे बस में दूसरी चीज क्या है कि अगर बड़ा हो गया, बड़ा होने का क्या मतलब है कि ये एक जो ऐसी जीपी सीरीज है जिसका कॉमन रेशियो एक से भी बड़ा है, उसका तो वैसे भी इनफाइनाइट टर्म्स का टेस्ट नहीं होता था ना, आप जानते होंगे कि जीपी के इनफाइनाइट का फॉर्मूला क्या होता था, a अपॉन 1 माइनस r, बट r इज लेस देन 1, कॉमन रेशियो एक से छोटा होना चाहिए, तो एक से छोटा ऊपर वाले में, वो वैसी जीपी के एज अ बिहेव करेगी, वैसी नहीं होगी, जीपी के जैसा बिहेव नहीं करेगी, लेकिन उसके जैसा बिहेव करेगी। मैं और बहुत ज्यादा डीप नहीं जाना चाहता, और अगर
ये वाले कंडीशन सेटिस्फाई करती है, तो मतलब एक ऐसी जीपी के जैसा बिहेव करेगी, मैं जैसा वर्ड यूज कर रहा हूं मतलब उससे भी बड़ी वैल्यू देगा, जिसमें आर इज ग्रेटर देन वन होता है। और आर इज ग्रेटर देन वन पे हमें पता है कि उस जीपी के इनफाइनाइट टर्म्स का समेशन नहीं हो सकता, एन टर्म्स का हो सकता है, कुछ फाइनाइट टर्म्स का हो सकता है, इनफाइनाइट टर्म्स का नहीं होता, वो डाइवर्ज कर जाता है, वो इन्फिनिटी की ओर डाइवर्ज, और उससे और बड़ा तो मतलब फिर तो वो खत्म ही हो जाएगा। अच्छा, लेकिन वन इक्वल होने पे ये हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे पाता, मतलब टर्म्स के रेशियो से हमें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो नहीं मिल पाती, इसलिए ये टेस्ट फेल हो जाता है। आप और कोई टेस्ट आइए एक हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो एग्जाम्पल लेने के लिए मेरे पास जगह थोड़ी कम है, तो मैं चाहूँगा कि ये चीज़ आप नोट कर लिए हो, तो मैं इस चीज़ को मिटा दूँ इधर, इतने में भी हमारा काम, इतने में क्या, जब मिटा ही रहे हैं तो पूरा मिटा देते हैं ना, इसको आप नोट कर लिए होंगे। अच्छा, एक आपको सीरीज़ दिए हुए हैं, क्या है सीरीज, 2 + 4x + 4 / 3x². अच्छा, वो इस टाइप में भी दे सकते हैं या फिर इसी को ऐसे भी दे सकते हैं, सिग्मा ऑफ n+1 / n (x^n-1) है ना। ये क्या कर दिया, nth टर्म और उस पर सिग्मा अप्लाई कर दिया, तो हम जानते हैं लेकिन फिर भी बात कर ली। और ये क्या था कि हर एक टर्म को डिस्टिंग दे दिया। जब आपको ये टाइप देंगे तो आपको सबसे पहला काम होगा un। अच्छा, इस टाइप में दिए हैं तो यही है un, हम लोग जानते हैं, लेकिन अगर इस टाइप में दिए हैं तो सबसे पहला काम आप का होगा un, मतलब किस पैटर्न पे यहाँ पर 1, 2, 3 ये टर्म्स मिल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 है तो 1 + 1 मिल रहा है, सेकेंड टर्म है तो 2 + 1, थर्ड टर्म है तो 3 + 1, तो nth टर्म होगा तो n+1, और नीचे फर्स्ट टर्म है तो सॉरी ये 2 होगा, क्वेश्चन मतलब दिमाग में था लेकिन लिखने में हड़बड़ी हो गई है ना। तो ये फर्स्ट टर्म है तो 1, सेकेंड में 2, थर्ड में 3, तो n में n होगा, और x^n आप देखिए टर्म से एक छोटा है ना। अब ये देखिए वहाँ पे भी लिखा हुआ है, तो यही है। फिर नेक्स्ट वर्क होगा un + 1 को निकाल लेना, un + 1 कितना आ जाएगा, तो n की जगह पे n+1 रख दीजिए है ना। फिर नेक्स्ट वर्क क्या होता है, आप un + 1 और अपॉन un निकाल लीजिए, तो कितना आ जाएगा, un + 1 का सेंस है n+2 / n+1 × x^n और अपॉन में n un मतलब an × x^n-1, और यहाँ पर हम लोग क्या लगा देंगे, लिमिट, क्या लगा देंगे, लिमिट है ना। हरियो की बात समझ में, तो अगर हम यहाँ पर कट करेंगे तो क्या बनेगा, ये देखिए ये n+1 है, ये n तो ये बन गया लिमिट un + 1 / un। आई होप समझ आ रहा होगा, un + 1 / un लिखा है, तो ये बन जाएगा लिमिट n→∞ है ना, और न्यूमरेटर में हो जाएगा n और (n+2), और डिनोमिनेटर में आ जाएगा n+1² और ऊपर आ गया x (lim(n→∞). अच्छा, ऊपर n अंदर से भी कॉमन ले लेते हैं तो n² बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा, 1 + 2 / n, और नीचे n² कॉमन लेंगे तो देखिए ये स्क्वायर है तो 1 + 1 / n² और (x). n² से n² कैंसिल, जब n की वैल्यू रखेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा 1 और नीचे बचेगा 1² तो मतलब ये कुल मिला के 1 ही हो जाएगा, सिर्फ कौन बचेगा, x। तो अच्छा, अब देखिए बेसिकली जो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछेंगे ना वो इसी टाइप के पूछेंगे, जिसमें एक वेरिएबल, जैसे यहाँ पर देखो वेरिएबल इंक्लूड कर दिया, वेरिएबल इंक्लूड करने से थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन जाता है। क्या इंटरेस्टिंग, कि आपको जो रिजल्ट मिलता है वो वेरिएबल में मिलता है। अब जो आपकी सीरीज का बिहेवियर होगा ना, ऐसे अगर आपको कोई कॉन्स्टेंट मिल जाता, 3 मिल जाता, तो आप डायरेक्ट क्या कह देते कि 3 > 1, तो मतलब ये अगर ग्रेटर देन 1 हो गया तो मतलब ये सीरीज डाइवर्जेंट है। लेकिन इंटरेस्टिंग हो गया, x मिला, तो मतलब अब x जो है वेरिएबल है, तो मतलब x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पे ये डिपेंड करेगा है ना। तो अगर आप देखो
इस पे हम कहें कि ये 1 से छोटा होगा तो मतलब x, अगर if x is less than 1 तो मतलब ये लिमिट छोटी हो जाएगी, इस केस में हमारी सीरीज क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट, x 1 से छोटा आप लो, और अगर x 1 से ग्रेटर होगा उस केस में क्या हो जाएगी सीरीज, डाइवर्जेंट, है ना, x पे क्योंकि डिपेंड हो रहा है ना। अब देखिए देखिए, अब x इक्वल टू 1 तो फिर ये टेस्ट फेल हो जाता है। अच्छा, ये टेस्ट फेल हो जाता है तो आप इस सीक्वेंस में देख सकते हो कि अगर आप किसकी वैल्यू, x की वैल्यू 1 कर देंगे तो क्या होगा, ये यही जो वैल्यू है, देखिए बेसिकली क्या है कि x इक्वल टू 1 हो जाए तो कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि ये टेस्ट फेल हो जाएगा, फिर आप अदर कोई भी टेस्ट जो आपके माइंड में हो और जो लग रहा हो उसको लगा के उसको टेस्ट कर सकते हो। यहाँ पर जैसे क्या है ना, बहुत ईजिली आ जाएगा, कैसे आ जाएगा, जैसे x की वैल्यू 1 कर दीजिए, ये un है, यहाँ पर x की वैल्यू 1 कर देंगे तो ये 1 इंटू एन की पावर माइनस 1, ये 1 ही हो जाएगा, सिर्फ कितना बचेगा un पे, un इज इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन n, इस पे आप लिमिट अप्लाई कर दोगे तो un इज इक्वल टू, लिमिट अप्लाई करेंगे तो आप ऊपर से n को कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस 1 अपॉन n और नीचे बन जाएगा n, तो n से n कैंसिल, थोड़ा साफ साफ लिख देते हैं, n ऊपर कॉमन लिया तो 1 प्लस 1 अपॉन n और नीचे n, n। अब यहां पर आप n की वैल्यू इन्फिनिटी रखेंगे, लिमिट लगा रहे ना, तो इन्फिनिटी ये जीरो हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा 1, और हम जानते हैं कि अगर किसी भी सीक्वेंस में लिमिट ऑफ un डज नॉट इक्वल टू जीरो है, ग्रेटर देन जीरो है, तो उस केस में हमारी सीरीज डाइवर्जेंट होती है। तो मतलब अगर x इज इक्वल टू 1 होगा तो हमारी सीरीज डाइवर्जेंट होगी, है ना, वो हमने अलग टेस्ट से किया, उसमें रेशियो टेस्ट का कोई हाथ नहीं था। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, है ना, आई होप समझ में आ रहा होगा। अच्छा, एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे x ना दिया हो तो हम डायरेक्ट बता देंगे कि हमारी सीरीज कैसी है, कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट। इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे फोर की पावर n अपॉन n इंटू थ्री टू द पावर n, तो ये देखिए ये u जैसा मैंने लिख दिया, ये 4 लिखा है ना, इसमें आपको सीधा un दे दिए हैं तो un को नोट कर लेना है, 4 टू द पावर n अपॉन n इंटू थ्री टू द पावर n। सेकेंड काम मैंने क्या बताया, un प्लस 1 ले लीजिए तो 4 की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू थ्री टू द पावर n, है ना। अगला काम मैंने क्या बताया, बोर्ड थोड़ा छोटा हो जाता है, उस बोर्ड पे लिखते हैं तो थोड़ा क्लियरेंस कम आती है, कोई बात नहीं, जल्दी से जल्दी हर समस्या का समाधान हो जाएगा, लेकिन अभी थोड़ा टाइम लगेगा। अच्छा, यू एन प्लस वन की वैल्यू रख रहे हैं तो कितना आ रहा है, अच्छा हम डायरेक्ट रखे दे रहे हैं एन प्लस वन और थ्री, और यू एन जो कि देखिए डिनोमिनेटर में है तो इसका जब यहाँ पे करेंगे तो मल्टीप्लाई में जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो जैसे यू एन ये था तो ये हो जाएगा एन इंटू थ्री टू द पावर एन और अपॉन फोर की पावर एन, इससे ये कट गया, फोर बच गया, ये कट गया, ये यू एन प्लस वन है, ये थ्री बच गया, और कितना बच गया, यू एन प्लस वन और अपॉन में यू एन, हालांकि कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी दिखाएंगे हम कि क्या हुआ, तेरा वादा, है ना, ये देखिए। अच्छा, ऊपर से इसमें तो बहुत जगह बच जाएगी तो केसेस भी नहीं बनेंगे, यू एन प्लस वन और अपॉन यू एन, तो लिमिट 4 अपॉन 3 और n, और नीचे से n कॉमन ले लिया तो 1 प्लस 1 अपॉन n, n से n कैंसिल। जब आप लिमिट एक्सपेंड करेंगे तो देखिए ऊपर तो 1 है और ये 4 बाई 3 मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर 0 हो जाएगा तो नीचे डिनोमिनेटर भी 1 हो जाएगा, न्यूमरेटर भी 1, तो ये तो 1 हो गया, लिमिट की वैल्यू कितनी आ गई 4 बाई 3, और 4 बाई 3 इज ग्रेटर देन 0 है, तो मतलब ये सीरीज कैसी है, डाइवर्जेंट, इट इज़ अ डाइवर्जिंग सीरीज। इसी तरीके से आप और भी कई सीरीजेस ले सकते हो, जैसे ये सीरीज 1 अपॉन एन, है ना, तो इस सीरीज में अगर आप लो तो यू एन इज इक्वल टू 1 अपॉन एन आ जाता है, और यू एन प्लस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन एन प्लस 1 आ जाता है, और यू एन प्लस 1 अपॉन यू एन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 अपॉन एन प्लस 1, और वो आ जाएगा कितना, 1 अपॉन एन, तो न्यूमरेटर सॉरी डिनोमिनेटर में आएगा इसलिए वो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा तो n अपॉन 1। ये देखिए ऊपर का ऐसे ही बन गया ना, तो लिमिट अप्लाई करते हैं तो कितना हो जाता है 1,
यहां पे देखिए दिक्कत आ गई। दिक्कत क्या आ गई कि हमारा रेशियो टेस्ट फेल हो गया, रेशियो टेस्ट फेल हो गया। तो इस सीरीज में हम रेशियो टेस्ट की मदद से नहीं बता सकते, ये समझ आ गया होगा, क्योंकि ऊपर ही लिमिट निकाले थे इसलिए हमने यहाँ पर नहीं किया। नीचे एन कॉमन लीजिए, एन से एन कैंसिल कीजिए, बन जाएगा, है ना। तो वन आ गया, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि रेशियो टेस्ट इज फेल। हालांकि इस सीरीज के बारे में हम जानते भी कि ये एक डाइवर्जिंग सीरीज है। ये सीरीज आप करिएगा तो ये कन्वर्जिंग सीरीज होती है, और इसमें भी ये रेशियो टेस्ट फेल हो जाएगा। तो जब इसमें भी रेशियो टेस्ट फेल हो जाएगा, इसीलिए हमने कहा ना कि रेशियो टेस्ट फेल हो जाने का यही सेंस है कि वो के पास इतनी इंफॉर्मेशन नहीं है इससे कि ये बता सके कि ये कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट, क्योंकि इस जगह पे दोनों टाइप के बिहेवियर्स मिलते हैं। आगे बात समझें। अच्छा, इसको कैसे हमने कहा कि ये डाइवर्जेंट है, हम जानते हैं कैसे जानते हैं, ऑक्सिलरी टेस्ट से, हमने लास्ट वीडियो में उसकी भी डिस्कशन किया था, तो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। तो इस तरीके से ये डीएलएमब्रेट्स रेशियो टेस्ट हो जाता है, जहां पर हमने सिंपल सी चीज क्या सीखी कि आप यू एन निकालिए, यू एन प्लस वन निकालिए, है ना, और फिर दोनों का रेशियो ले लीजिए। ऊपर देखिए इसको कहीं कहीं पे बुक पे ऐसे लिख देते हैं, फिर कंफ्यूजन होता है, यू एन अपॉन यू एन माइनस वन। तो मैंने क्या कहा कि जस्ट प्रीसीडिंग टर्म द रेशियो ऑफ द टर्म टू द जस्ट प्रीसीडिंग टर्म। तो अगर डिनोमिनेटर पे यू एन ले लिया तो डिनोमिनेटर में यू एन माइनस वन ले लेंगे, है ना, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, कभी कभी पलट देते हैं, प्रीसीडिंग टर्म न्यूमरेटर में कर दें तो जस्ट उल्टा हो जाएगा। हालांकि बहुत सारे स्टेटमेंट समझने की जरूरत नहीं है, वो अलग अलग बुक में लिखा होता है, इसलिए कंफ्यूज आप मत होइएगा। बस सेंस क्या निकालना है कि अगर जो किसी भी टर्म का रेशियो टू इट्स प्रीसीडिंग टर्म लिमिट के साथ अगर लेस देन वन है तो कन्वर्जेंट, ग्रेटर देन वन है तो डाइवर्जेंट, इक्वल टू वन है तो हमारा रेशियो टेस्ट फेल हो जाता है। दूसरी चीज, अगर न्यूमरेटर पे कौन आ गया, प्रीसीडिंग टर्म, और डिनोमिनेटर में वो टर्म आ गया, तो उस केस में केस को उल्टा कर लीजिएगा। इस केस में मतलब यू एन अपॉन यू एन प्लस वन आ गया ऐसे, अब कि देखिए प्रीसीडिंग टर्म ऊपर चला गया न्यूमरेटर पे, तो उस केस में अगर ग्रेटर देन वन आए तो कन्वर्जेंट, लेस देन वन आए तो डाइवर्जेंट, लेकिन इक्वल टू वन पे फिर भी फेल, तो इक्वल टू वन ही मनहूस है। अच्छा, मैं किसी चीज को मनहूस नहीं कह रहा हूँ, ऐसे मजाक के लिए बोल दिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, हम लोग आगे नए और टेस्ट लेके आएंगे, क्योंकि अब वन पे फेल हो जा रहा है तो फिर आप ऐसे नहीं छोड़ सकते ना, तो आप आगे आने वाले वीडियोस तो आगे और वीडियोस लेके आएंगे, तो आप देखते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस अगेन, है ना।